जिला खनिज न्यास मत से कोयलांचल चिरमिरी में बनाए गए विद्युत शव दाह गृह की उपयोगिता तय नहीं हो सकी है। समय बीतने के साथ इसकी मशीनरी पर बुरा असर पड़ रहा है। इस मामले में नेताओं ने नगर निगम को आड़े हाथों लिया है, जबकि महापौर कहती है पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से जुड़े मामले में हम किसी पर अपना निर्णय नहीं थोप सकते हैं। चिरमिरी में कोरिया जिला प्रशासन के द्वारा बीते वर्षों में नगर निगम की पहल पर 30 लाख रुपए खर्च कर विद्युत से संचालित होने वाला शवदाह गृह तैयार किया गया था। लकड़ियों की समस्या को देखते हुए इस योजना पर काम किया गया। पूर्व महापौर डमरू रेड्डी ने इस पर चिंता जताई कि पूरा काम होने पर भी आधुनिक शवदाह गृह शुरू नहीं किया जा सका है। हमने उसका लोकार्पण करके अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में विद्युत शवदाह मशीन को बाकायदा लोकार्पित किया था। आज अगर महापौर को लगता है, अगर कमिश्नर को लगता है, अगर जिला प्रशासन को लगता है तो वो उसकी जांच कराए और उस पर जो दोषियों उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर के जनप्रतिनिधि बताते हैं कि इस दिशा में लगातार पहल की गई, अब तक सफलता क्यों नहीं मिली यह समझ से परे है कि देखिए जो चीज बना बनाया है उसमें ज्यादा मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है, इसको शुरू कराना चाहिए। मैं आदरणीय महापौर जी से मेरा ये रहेगा कि उनको बिल्कुल सुध लेके इसको शुरू करना चाहिए, इससे तो चिरमिरी की जनता को लाभ भी मिलेगा ना। आज दो वर्ष ढाई वर्ष बीत गया कोरोना काल को भी और पूरे कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन आज तक शवदाह गृह चालू नहीं हो सका, ये बड़ी विडंबना है। जबकि महापौर कंचन जायसवाल बताती है कि पार्थिव देह के अंतिम संस्कार को लेकर लोग विधि विधान मानते हैं, हम अपने निर्णय उन पर नहीं डाल सकते। जो मेरे कार्यकाल का नहीं है, और दूसरी बात हमारी जो चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है, वो हम अपने जो परिजन है उनकी अंत्येष्टि पूरे विधि विधान से करवाते हैं, और यहाँ के लोगों को हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सौदागिरी में अपना अंत्येष्टि करवाएं या क्या करवाएं, वो अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं कि उनको किस विधि से कराना है, कैसे कराना है। एमसीबी जिला के अंतर्गत आने वाला इकलौते नगर निगम क्षेत्र में, जहां पर नगर निगम के द्वारा ही एक सौदा मशीन का निर्माण कराया गया था। ये सौदा मशीन का निर्माण देख सकते हैं DMF फंड से कराया गया है। इसकी लागत 30 लाख रुपए है और इसका जो लोकार्पण जो कराया गया है, यहाँ मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, साथ ही कोरबा लोकसभा के सांसद हैं ज्योत्सना महंत, उनके द्वारा ही इसका लोकार्पण कराया गया है। इस पे जो जनप्रतिनिधि हैं गुलाब कमरो हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अंबिका सिंह देव हैं, स्थानीय विधायक हैं, और जो यहाँ के जो महापौर थे के डमरू रेड्डी, उनके कार्यकाल में ही ये सौदाह मशीन का निर्माण कराया गया है। लेकिन आज ऐसा क्या कारण है जो सौदाह मशीन एक ऐसे हालत में पड़ा हुआ है जहाँ यहाँ एक परिंदा भी पैर मारने नहीं आता है। देख सकते हैं सौदाह मशीन का ये जो दरवाजा है ये भी खुला हुआ है। ये सौदाह मशीन जो बना हुआ है ले इसका आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ, क्या कारण है ये आज तक समझ से परे है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं ये सौदाह मशीन का वही स्ट्रक्चर है जहाँ पर लाश को रखकर अंदर की ओर डाला जाता है और जिससे शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। लेकिन आज भी ये निर्माणधीन पड़ा हुआ है, आखिर में कारण क्या है ये समझ से परे हो जा रहा है। अब देखना यही होगा कि ये सौदा मशीन जो 30 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है, इस पर आज तक कोई किसी और ध्यान नहीं दे रहा, शासन प्रशासन की आँख बंद करके पड़ा हुआ है। अब देखना यही होगा जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में जो विधायक और आपका महापौर हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, इनका बस यही कहना रहता है कि हमारे कालकाल में ये बनाया हुआ नहीं है, इसलिए ये सौदा मशीन के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब क्या होगा ये सौदा मशीन, इतनी बड़ी लागत से बनाया हुआ सौदा मशीन को आखिर में कब सुधारा जाएगा, अभी तो आने वाला समय बताएगा कि शासन प्रशासन इस पर किस प्रकार से संज्ञान लेता है और इस पर इसका पुनः निर्माण कराता है। मैं मनोज श्रीवास्तव, एशिया न्यूज़ MCB जिला से।